नमस्कार आपके अदालत में आपका स्वागत है पिछले दिनों कुछ ऐसे केसेस हुए जैसे का मर्डर केस मट्टू मर्डर केस और नीतीश कटारा मर्डर केस जिनमें पब्लिक बहुत सारे सवाल पैदा हुए कम से कम जयसिका लाल मर्डर केस में सारे के सारे गवाह मुकर गए सारे के सारे एक्यूज छूट गए आज आपकी अदालत में जनता का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डी पी यादव आपकी अदालत में हाजिर हो इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो आज की जज टी आर कक्कड़ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत की कार्रवाई शुरू करें और इससे पहले कि इल्जाम और सवाल का सिलसिला शुरू हो एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर पृष्ठभूमि पर जिसमें डीपी यादव पर आज का ये मुकदमा चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डी यादव के कई चेहरे हैं एक चेहरा ऐसे नेता का जो बार बार पार्टियां बदलता है कभी राज्यसभा के लिए तो कभी लोकसभा के लिए दूसरा चेहरा एक ऐसे बाहुबली नेता का जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं डीपी यादव को वेस्टर्न यूपी में डर का प्रतीक माना जाता है इनके खिलाफ मर्डर डकैती और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। डीपी यादव का एक तीसरा चेहरा है उस पिता का जिस पर अपने बेटे को मर्डर केस से बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप है राजनीति और माफिया की दुनिया का ये चतुर खिलाड़ी आजकल इसी वजह से चर्चा में है जैसे का लाल मर्डर केस और नीतीश कटारा मर्डर केस दोनों में डीपी यादव का बेटा अक्यूज है आपकी अदालत में डीपी यादव अपनी पैरवी खुद करेंगे तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम डीपी यादव आपकी अदालत में डीपी यादव पर इल्जाम है कि ये उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाते हैं यादव साहब ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में खास तौर से आपके नाम से कांपते हैं लोग देखिए डीपी यादव को कोई अपना भाई अपना दोस्त तो कह सकता है पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं करता मैं पूरे देश की बात करता हूं लेकिन डीपी यादव ने ना कभी आतंकी परिभाषा को सीखा है और ना किया है हमने तो सुना है कि माफिया है आपके पास ऐसे लोग हैं जो किसी को कभी भी उठा सकते हैं किसी को कभी भी मरवा सकते हैं देखिए रजत जी ये आपके मीडिया की भाषा हो सकती है लेकिन यथार्थ और असल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा एक भी वाक़ मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं है कि जहाँ किसी को उठाया गया हो धमकाया गया हो डराया गया हो लेकिन यादव जी ये सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर रिकॉर्ड देखें तो आपके खिलाफ मर्डर के केस है डकैती के केस है किडनैपिंग के केस हैं एक्सट्रॉशन के केस हैं के है। आप लोग देखते हैं अच्छी तरीके से कि पुलिस का जो भयानक चेहरा है यानी एक विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को या नौजवान को कैसे कैसे क्रिमिनल केस लगा करके जेल भेजने का काम किया जाता है आप तो स्वयं भी विद्यार्थी रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं जहाँ तक समझता हूँ लेकिन अभी किसने कोई केस नहीं बना इसलिए आप में आपके ऊपर इसलिए केस दें कि के कुछ लोग बिल्कुल अपना रोल समाज में डिफेंसिव प्ले करते हैं जी। आप ऑफेंसिव प्ले तो करते हैं मीडिया में लेकिन आम जिंदगी में हो सकता है आपने ऑफेंसिव आप कह रहे हैं कि कोई बड़े बड़े केसेस आपके खिलाफ नहीं है ये पुलिस थाने से निकाली हुई लिस्ट मेरे पास में है जिसमें दफा तीन सौ के भी केस है दफा तीन के भी केस है ये थाना कविंदर गाजियाबाद के केस है सानी गेट गाज़ियाबाद के केस है कोतवाली गाज़ियाबाद के केस है आप चाहें तो लिस्ट में आपको भेंट कर सकता हूँ दादरी गाजियाबाद नहीं, के लिस्ट के ये ऑथेंटिक कोई लिस्ट नहीं है ऑथेंटिक लिस्ट मेरे पास हैं अगर कहें तो मैं आपको उन केसेज़ में जिन केसेज़ में कॉलेज के वक्त में हमको बने थे उनसे हम हर कोर्ट से बरे हुए न्यायालय ने हमको बरी किया एक भी केस उनमें तीन का नहीं है ये वो लिस्ट है जो चुनाव के वक्त जब जारी की जाती है निर्वाचन आयोग बताती है लिस्ट रजत जी आपके हाथ की टाइप कराई गई लिस्ट है ये कोई ऑथेंटिक पेपर नहीं है ना ही इस पर किसी सरकारी कार्यालय की कोई मोहर है जी अब मैं आपको चैलेंज तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं मीडिया की भाषा को अच्छी तरह जानता हूँ क्या ये सच नहीं है कि उन्नीस में आपके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके आपको जेल में बंद किया गया निश्चित तौर से क्योंकि राजनीतिक दुर्भावना और अपने प्रतिद्वंदियों को किनारे लगाने की साजिश में जो लोग राजनीति करते हैं जो आज भी डी पी यादव और डी पी यादव का परिवार भुगत रहा है इसीलिए तो आप लोग मीडिया में अपने मंच पर जगह तरह तरह के रंग बिरंगे ये, ये बात भी, स... भी गाजियाबाद की एस एस पी शैलजा कान्त मिश्रा ने पोस्टर लगवाए थे मोस्ट वांटेड लेकिन ये भी सच है कि जब मैं यूपी में मिनिस्टर था तो शैलजा कान्त मेरे एस 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 पी थे बुलंदशहर में और बुलंदशहर में एक हमारे व्यापारी वर्ग के साथी का केस हो गया था डकैती का मैंने शैलजा जी को ये कहा था कि डकैती का केस 24 घंटे के अंदर खुलना चाहिए वर्कआउट होना चाहिए वरना या तो एज ए मिनिस्टर मैं इस्तीफा दे दूंगा या तुमको यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं दूसरी जगह भिजवा दूँगा बस ये ही लड़ाई की बुनियाद है और उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई बीजेपी हमारे खिलाफ वाले चेहरे मोहरे लोगों की पार्टी थी और हमको उस लाइन पर लेकर के सैल जाका एस एस पी गाजेबाद पोस्ट कर लेकिन आप बीजेपी में शामिल भी हो गए थे एक जमाने में शामिल हुआ था कभी कभी ज़िंदगी तो में रजती कई मजबूरियां सामने आ जाती हैं अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं हाउस में था और हाउस में मुझे कोई ऐसा एश्योरेंस मिला था कि हमारे ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ जो जबरन हमको अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हमारे परिवार को हमारे बच्चों को उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी सोचेगी तो बच्चों के सामने सेक्रीफाइस कर सकता है एक बाप एक भाई एक बहन तो इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति परिवार के बाद भी हो सकती है इसको कह सकते हैं यादव जी कि आपने सौदेबाजी कर ली बीजेपी के साथ सौदेबाजी केस हटा लेंगे तो मैं आपकी पार्टी देखिए रजत जी जिंदगी में सौदेबाजी लोग अपने जीवन को और परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं सारी बातें मैं खोलना नहीं चाहता अब आपके सामने आप अच्छी तरह बेहतर जानते हैं सारी बातों को लेकिन कभी कभी मजबूरी में हाँ आदमी कोई निर्णय जरूर लेता है और मुझे आज भी उस बात का अफसोस और दुख है कि मैंने बीजेपी में जाने का निर्णय लिया चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो बी हो आप हो तो, इसलिए चाहते हैं कि आपके पास ताकत है आपने तो ऐसी महान पार्टी का नाम अभी अपनी जबान से ले लिया जी मैं उसके बारे में क्या कहूँगा मैं ये पूछ रहा हूँ ये सारे के सारे राजनीतिक दल आपको इसलिए साथ लेते हैं कि उनको वो चाहते हैं आपकी जो बाहुबल की ताकत है, उसका नहीं, फायदा वो जानते हैं डीपी यादव के पीछे करोड़ों लोग हैं वो जानते हैं करोड़ों नौजवानों का समर्थन किसान मजदूरों का समर्थन डीपी यादव के साथ है मैं आपको बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का बयान बताता हूँ जब आपने पार्टी ज्वाइन की बहुजन समाज पार्टी उन्होंने कहा मुझे मसल पावर की ज़रूरत है मुलायम सिंह के पास अगर राजा भैया है तो मेरे पास डीपी यादव है बिल्कुल नहीं कहा था बिल्कुल नहीं कहा था और मैं वहाँ मौजूद था रजत जी वहाँ नहीं थे अब इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि कौन सी बात कैसे हो सकती है आपने दूरदर्शन पर ज़रूर सुन सुना होगा बहन जी मायावती जी ने जरूर कहा था कि आज से डीपी यादव और बालेश्वर जी मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ हैं हमारी पार्टी के साथ हैं और गरीब तबके पर समाज पर अन्याय ना हो इसलिए हम उनके खिलाफ जो अन्याय कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में तो डीपी यादव और बाकी लोग इसलिए हमारी पार्टी में यादव उनतीस दिसंबर दो की ये बात है शाम को चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा उन्हें मुलायम सरकार से मुकाबला करने के लिए मसल पावर की जरूरत है मुलायम के पास अगर राजा भैया है तो मेरे पास डीपी यादव है मैं कह रहा आपकी मेमोरी में, में, में थोड़ा मैं कह रहा हूं राजा भैया अब क्या है मिनिस्टर है ना यूपी में जी है तो अगर मायावती जी ने, ने मायावती जी ने आपको कहा कि आपकी जरूरत इसलिए कि आप मसल पावर है नहीं मसल पावर नहीं हमारे पास हमारे साथ में हमारे पीछे इस देश के करोड़ों नौजवान खड़े हैं लोगों की ताकत है लोकतंत्र में और क्या व्यवस्था होती है राजनीति में किस ताकत को ताकत कहा जाता है आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालत के घेरे में है डीपी यादव आपकी अदालत में अगला इल्जाम डीपी यादव आपकी अदालत में डीपी यादव पर इल्जाम है कि अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने गवाहों को प्रभावित किया यादव जी मैं बात कर रहा हूं जयसिका लाल मर्डर केस की आजकल लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत ताज़ा ये केस छाया हुआ है उन्नीस सौ में 30 अप्रैल को जयसिका लाल का मर्डर हुआ था आपके बेटे विकास यादव भी उसमें एक्यूज थे और अदालत से जब फैसला हुआ सारे के सारे लोग छूट गए विकास यादव का उस केस में कोई रोल नहीं है मैं आपको ये इन्फॉर्म जानकारी के आधार पर कहता हूँ और रजत जी मुझे दुख ये है कि बगैर जानकारी के आधार पर जो चीज़ें बोल दी जाती हैं वो उसके अपने इंटरेस्ट में तो हो सकती हैं लेकिन उसके परिणाम दूर तक आप कह रहे हैं कि विकास यादव इस केस में एक्यूज नहीं है कोई रोल ही विकास यादव का नहीं है महज 201 की एक दफा उसके ऊपर लगाई गई कि मनु शर्मा उसको जानता है और कोई गाड़ी करके कहीं से हटा दी गई थी केस होने के बाद ये उसके ऊपर चार्ज है जो माननीय हाईकोर्ट ने दिया डी पी यादव चार्ज बनाने वाला कोई नहीं होता लेकिन रजत शर्मा चार्ज बनाने वाले हो लेकिन एफ में तो ये लिखा गया था कि उन्होंने शेल्टर दिया था अपने घर में मैं जानने के वाली बात को मैंने कहा है आप उसको शेल्टर कह लीजिए आप उसको जो मर्जी कह लीजिए और जान पहचान होना दोस्ती होना कोई बहुत बुरी बड़ी बात नहीं है मनु शर्मा कोई चोर डकैत और ऐसी परिवार का लड़का नहीं है भारत के राष्ट्रपति जी के रिश्तेदारों में मनु शर्मा आते थे बिल्कुल मेरे बेटे का क्लास फेलो चंडीगढ़ में उठा इस नाते वो उसके पास आ सकता है दोस्ती हो सकती है जान पहचान हो उसका मतलब ये नहीं है कि विकास यादव ने को गुनाह कर दे उन्होंने कहा पुलिस ने कि मर्डर करने के बाद तीस अप्रैल की रात को अपने घर में शेल्टर दिया पुलिस ने तो अभी पिछले दिनों उस केस में ये भी कहा था डीपी यादव ने गोलियां बदलवा दी मेरा दावा है मैं दावे के साथ और आप लोगों के सामने इस बात को अपनी जबान से कहना चाहता हूँ अगर उस केस के किसी भी एक व्यक्ति को एक गवाह को डीपी यादव जानता हो या कभी मिला हो तो सजा तजवीज आप कर देना भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। यादव जी यह सच्चाई नहीं है कि जब आपके बेटे को पुलिस के सामने सरेंडर किया उन्नीस दिन के बाद में तो पहले उन्होंने इंफाल की अदालत से अपनी एक अग्रिम जमानत करवा ली थी पुलिस से और पुलिसिया कार्रवाई से कौन नहीं डरता है उसको पूछा गया वो जहाँ बिजनेस करता था जहाँ रहता था वहाँ से एक न्यायालय से वो अपनी अग्रिम जमानत लेकर के आ गया इसमें कौन सा गुनाह है अग्रिम जमानत तो इस दिल्ली में सैकड़ों होती हैं रोज़ लेकिन चूंकि वो डी पी यादव का बेटा हमको यही तो सजा मिल रही है आज तक कि वो डी पी यादव का बेटा है इसलिए उसने क्यों अग्रिम जमानत ले ली बाकी तो रजत शर्मा पर केस हो जाए तो परसों तीन जमानत आ जाएंगी और किसी पर केस हो जाए तो चार जमानत लेके आ जाएंगे तो इस बात का गुनाह इस बात का तो कोई गुनाह नहीं कि वो मेरा बेटा है मैंने तो जिंदगी में हमेशा लोगों की सेवा की है यादव जी आपके बेटे के ऊपर कोई पहली बार इल्जाम नहीं लगा था इसके पहले भी उसके ऊपर मर्डर का केस 19 साल की उम्र में लग चुका है जी नहीं ये केस की नामजदगी तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब मेरे ऊपर केस बनाया गया था हाथों तो उसके ऊपर के, भी केस लड़के देवेंदर का मर्डर का केस केस तो रहा हूं कि लेकिन ये उसी सरकार द्वारा फिर यह केस वापस लिया गया क्योंकि गलत फेहमी में और गलत ढंग से उसकी नामजदगी की गई थी इसलिए सरकार सरकार ने ने उस केस केस को वापस लिया में किसी न्यायालय नहीं चला सरकार ने अपनी गलती का एहसास करके उस केस को वापस लिया लाल केस में पब्लिक ओपिनियन अगर आप देखें जनता के राय आप देखें तो ये सच लोग मानते हैं कि बहुत सारे गवाहों को प्रभावित करके उनको बदलवा दिया गया रजत जी कौन बनाता है राय राय आप लोग बनाते हैं मेरे आपसे निवेदन है न्याय को मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में देखने की कोशिश मत जी, आज आपके न्याय पूरा पूरा बना सूर्य की रोशनी में देखने की कोशिश करो क्योंकि आप लोग जो कुछ बोलते हैं वो पूरे देश के करोड़ों लोग देखते हैं उसका असर करोड़ों लोगों के जनमानस पर जाता है मैं नहीं जानता आपका उद्घोषक बी डी पी यादव को बाहुबली कह रहा था बाहुबली तो हनुमान को कहा जाता है हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग लोगों के लिए करने से पहले आप लोगों को सोचना यादव चाहिए जी आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाएं आपको बाहुबली कह के पुकारा जाता है नहीं पुकारना आपको चाहिए। माफिया कह के पुकारा पुकारना जाता है। आपको मर्डर कह के पुकारा जाता पुकार हम तो तब भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यूं तो मैं आपको मीडिया का माफिया कह के पुकार आप जरूर कह सकते हो आपका बहुत स्वागत है जरूर ऐसे मीडिया में बहुत सारे लोग हैं अभी एक मीडिया ने उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता राष्ट्रपति जी को एसएमएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे करोड़ों रुपया एक लोग कमाते हैं एसएमएस द्वारा एसएमएस का एक रेट है आप लोग करते हैं एसएमएस एम दो लाख एम एस एस लेकर के राष्ट्रपति के तो आपको पता उस मीडिया वाले को कितनी इनकम हुई आम आदमी बेचारा जानता नहीं लगता है बहुत तकलीफ से जो असलियत है दिक्कत उन लोगों को है जिन लोगों लोगों के बारे में कहा जाता है आप कुछ पूछना चाहते हैं जैसे जैसे एक, एक जैसे आपको माइक्रोफ़ोन। एक मिनट कि मैडम। यादव जी मीडिया एसएमएस से कितना भी करोड़ रुपया कमाए उससे पब्लिक का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना हम अपने शौक से उनको मैं कह रहा हूँ मीडिया जहाँ अपनी पर्सनल है की हम उन्हें भेज रहे हैं नहीं ये हमारे पर्सनल हमारे दो रूपए खर्च हो रहे हैं छह रुपए किसी का मर्डर या खून नहीं करे ये किसी कोई तकलीफ नहीं दे

पी यादव के खिलाफ एक भी किडनेपिंग का केस हो मेरे सामने लोगों को लाइए ना आप अकेले अकेले इंटरव्यू करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप बुलाइए किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाना चाहिए था गाजियाबाद के एसएसपी को बुलाना चाहिए था किसी और आदमी को जो मेरे खिलाफ प्रूफ दे सकता हो कह हूं उसको बुलाना मैं चाहिए मैं आपको था। दिल्ली आप... के पुलिस कमिश्नर के के पॉल का बयान दिखाता हूँ पॉल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है उनसे बड़ा तो पुलिस अफसर कोई नहीं होता मीडिया उन्होंने कहा कि जैसिका लाल मर्डर केस में अभियुक्त और अधिकारियों के बीच

एक मॉडल ऐसे लोगों को शराब परोस है कि जो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं बड़े यादव बड़े, जी, बड़े लोग यादव जी, हमारे देश की यह परंपरा है कि आपका बेटा उस पार्टी में रहे और उन लोगों के साथ रहे जो शराब न परोसे पर उसको गोली मार दे जी मेरा क्या कसूर था उसका? मेरा बेटा वहां मौजूद ही नहीं था और मुझे तकलीफ इसी बात की है के हैं, जिस, भाई जिस, कौन कौन यादव क्यों नहीं बनाया गया जिस लड़की के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो शराब परोसरी जो थी, लोग रेस्टोरेंट में रात को डेढ़ बजे शराब पिला रहे थे जिनका रेस्टोरेंट था उनकी मालकिन और मालिक को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया जाता क्यों से नहीं पूछा जाता सिर्फ इतना बता दीजिए वो लड़की शराब पिला रही थी या कुछ भी कर रही थी किसको हक था उसकी हत्या करना अगर वो लड़की वहां पर कुछ भी कर रही थी उसकी हत्या नहीं, करने का अधिकार बीना आग, तो रवानी ने स्टेटमेंट दिया मनु शर्मा सामने खड़ा था ही इज नॉट दैट पर्सन मालनी रवानी जो रेस्टोरेंट की मालिक है क्या क्या कहना चाहेंगे एक चाहिए एक मिर्ट, एक मिनट मिनट हाँ, आप पूछना चाहते हैं पूछे हाँ। एक तरफ आप मीडिया की बुराई कर रहे हैं कि मीडिया इसका फेवर करता है हो सकता है उस टाइम उस बात में मीडिया आपका फेवर कर रहा है और माली रमानी आपकी फेवर कर रही है, ऐसा नहीं, भी तो, हमारे है। फेवर का तो सवाल नहीं हम तो उसमें कुछ है ही नहीं हमारा तो कोई रोल नहीं है मैं तो ये कह रहा हूं कि मीडिया को आपका रोल सिर्फ इतना है कि जिस लड़की की हत्या हुई आप उसके मौत के सात साल बाद उस पर घिनना इल्जाम लगा ना लगाना मैं घिनौना इल्जाम नहीं लगा बिल्कुल खराब बात कर मैं तो एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और आप आज उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे वो शराब पर शराब परोसना कोई अपराध नहीं है ये सवाल आपसे है मेरा ये सवाल मेरा आपसे है जी आपसे है आप पूछे आपका ग्रज जो है जेसिका लाल के अगेंस्ट है बल्कि होना चाहिए अक्यूज या जिन पे आरोप लगाया जा रहा है उनके प्रति होना चाहिए तो ये क्या बताता है आपके बारे में आपका जो भी ग्रज है वो जिस गलत तरीके से शराब बेच रही थी ये ग्रज जो कि विक्टिम है उसके प्रति है लेकिन जो लोग अक्यूज हैं या पब्लिक जिनको अक्यूज मानती है उनके प्रति कुछ नहीं है मैंने व्यवस्था पे सवाल किया है नहीं व्यवस्था पे सवाल नहीं किया आपके खिलाफ मैडम न्यायालय निर्णय दे चुका है मेरा आप न्यायालय से ऊपर नहीं है तो, मु, नहीं तो था। मुझे कुछ कहना नहीं जेसिका लाल, जी, उनका सीधा 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 सवाल है आप जो कुछ बोल रहे उससे ऐसा लगता है आप उनके साथ खड़े जो अभियुक्त नहीं राजा जी मैं न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता आप उनके खिलाफ जो मरे न्यायालय ने निर्णय दिया है मैं उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ हम तो पैरवी हमेशा उन लोगों की करते हैं जो मजबूती के साथ अधिकारों की बात को नौजवान की बात को किसान और मजदूर की बात को आगे रखने का काम अभी तो आप उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं जो लोग मर्डर करते हैं जो माफिया होते हैं मैंने अभी चैलेंज किया आपको रज जी एक भी व्यक्ति एक भी गवाह अगर ये कह दे डीपी यादव कभी उससे मिला है या कभी फोन किया है कभी बात की है तो सजा मैंने तो कहा आप तजवीज कर दो ना मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ आपकी अदालत में आज हम जनता स्तर से मुकदमा चला रहे हैं डीपी यादव पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम डीपी आपकी अदालत में डीपी यादव पर इल्जाम है कि ये कटारा मर्डर केस में मेन गवाह को छुपा रहे हैं यादव जी आपको 16 फरवरी 2002 का केस याद दिलाना चाहता हूं नीतीश कटारा एक मासूम नौजवान की हत्या हुई शिवानी नाम की लड़की की शादी में वो गए थे उस शादी में आपका बेटा भी मौजूद था और आपके बेटे पर यह इल्ज़ाम है कि उसने नीतीश कराट कटारा का मर्डर किया जी हाँ उस शादी में मेरा सारा परिवार ही मौजूद रहा होगा क्योंकि शिवानी गौड़ मेरी बेटी की क्लास फेलो थी और किसी शादी में शामिल होना कोई गुनाह नहीं रजत जी लोग रिश्तों में आपसदारी में एक दूसरे के शादी समारोह में फंक्शंस में आते जाते हैं लेकिन ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है कि मेरे बेटे ने उसमें कोई ऐसी बात किया ऐसी हरकत की ये तो पूरी तरह एक पॉलिटिकल रचना है अगर मैं इसे बहुत तफसील में आपको बताने लगूँ तो आपके चैनल का ये वक्त पूरा चला जाएगा सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भी मैं और मेरा परिवार एक घिनौनी राजनीतिक हथकंडे के शिकार हुए और विकास यादव को ठीक उस दिन गिरफ़्तार कर लिया गया जिस दिन उसकी काउंटिंग थी चुनाव लड़ा था हो सकता है ये मैंने गलती की हो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को मैं राजनीति में लेके आया लेकिन मेरा बेटा एक इंजीनियर बेटा था इंडस्ट्री चलाता था उसको ठीक उस दिन अरेस्ट किया जाता है जिस दिन उसकी वोटों की काउंटिंग होती है ये आम लोगों को आप लोग या, यादव की ये बात सही है कि मैं उस हाँ। उस शादी में आपकी बेटी मौजूद थी आपका बेटा मौजूद था मेरा बताता रहा हूँ मेरा सारा परिवार मौजूद ये बात भी सही है लेकिन कि उस... ये उस हाँ। शादी में नीतिश कटारा मौजूद थे मैं नहीं जानता मैं नाना तो था। आप ये जानते हैं कि आपकी बेटी भारती यादव नीतिश कटारा काफी करीबी मेरे पास मीडिया की आंखें नहीं है रजत जी कि आपकी तरह मैं बहुत दूरदर्शी भी नहीं हूँ महाभारत का जमाना भी नहीं है कि दिव्य दृष्टि संजय की मेरे पास हो आपके पास हो सकती है मीडिया के पास हो सकती है तो मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था ये कैसे कह सकता हूँ कौन कौन मौजूद थे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन मौजूद था मेरे पास ये तस्वीरें हैं ये तस्वीरें जिसमें आपका बेटा और आपका भांजा विशाल दोनों मौजूद विषाएद मैंने तो अपने परिवार के बारे में उसे पहले ही कह दिया कि मैं इससे कहाँ इनकार करता हूँ और ये तस्वीर है जिसमें नीतीश और आपकी बेटी दोनों कोई बुराई नहीं है इसमें क्या बात है फोटोग्राफ तो मेरे आपके कहीं है मेरे साथ साथ में आपकी बेटी और नीतीश कटार में काफ़ी करीबी दोस्ती थी देखिए मैं बिल्कुल इस बारे में अनभिज्ञ हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक तोहबत है एक एलिगेशन है और जो यथार्थ से बहुत दूर बहुत क्या तो अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आपकी बेटी और नीतीश जी एक की। बात जरूर जाननी आप अगर तस्वीर एक बार जरा नजर मार लीजिए आपको शायद याद आ नहीं, जाएगा मैं तस्वीर की बात करता हूं।, हूं तस्वीर तो मैंने ये भी देखी है कि नीलम कटारा जेसिका लाल में इंटरव्यू दे रही है और आपने नीतीश कटारा के फोटो डिस्प्ले किया हुआ है मैं सारी चीजें जानता हूँ रजत जी मैं आपसे एक सिंपल बात हूं। मैं, मैं सीधी बात, मैं क्या, मैं क्या बात कर रहा हूं। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं ये तस्वीरें देखने के बाद में, कि आपको आपको बोलो किसकी तस्वीर किसके साथ बनानी है मुझे अच्छा दे। देखिए कर आप, आप जनता करेगी अदालत करेगी आप इन तस्वीरें देखकर बताइए बनाई हुई दुख तो इसी बात का रजत जी आप लोग अदालत को फैसला करने कहा देते हैं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ये तस्वीरें देखकर आप ये इन बात से इनकार करेंगे

किसी नौजवान को गाड़ी में उठाया गया जी और दिल्ली लाया गया कहाजा और में से उसका क्या कहता हूँ लेकिन पोस्टमार्टम का डॉक्टर क्या कहता आपने पढ़ा है कभी आपने केस की नौीय जानी है यादव जी आपके केस में पोस्टमार्टम का डॉक्टर क्या कह कोई अंदाजा लगा जी हवाओं पर बात मत करो हवाओं पर बात मत करो क्योंकि जिस क्यों क्योंकि आपके कहने का देश की जनता में एक मैसेज होता है मैं आपसे है। एक मोटी बात पूछता हूं अगर अगर आपको ये लगता है सुनिए मैं एक बात और कहता हूं मैं आ, मैं एक ही बात, बात आपसे अरे आप मेरी सारे बात सुनिए मीडिया ने एक शोर उठाया मैं आपसे अगर मनु शर्मा को सजा हो जाती

जत जी ये पता नहीं है भारती यादव को महज हमारे परिवार को बेजित करने के लिए केस के दो महीने बाद गवाह बनाया गया दो महीने बाद गवाह है या नहीं एक मिनट गवाह है गवाह है गवाह तो नीलम कटारा का छोटा बेटा भी अद, जी। अदालत चाहती है सुनिए मैं आपसे एक मिनट आपसे आप पूछ रहा हूं बता दीजिए क्या आपने गवाह बनने के बाद भारती यादव को देश से बाहर भेज दिया आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए नितिन कटारा नीलम कटारा का छोटा बेटा भी गवाह है क्या आपने कभी सुना उस गवाह को बुलाने की कोशिश की गई है क्या आपने किसी न्यायालय का कोई आदेश देखा आपने किसी की आवाज सुनी किसी मीडिया पर किसी टेलीविजन किसी अखबार में कि उस गवाह को पेश करने का काम किया दर्जे बुलाने का काम किया गया नहीं लिया गया इतना डी यादव की बेटी है चुकी इसलिए उसका वारंट हो सकता है रज जी आज तक किसी विटनेस का सिर्फ ये पूछ रहा हूं अगर अगर आपकी बयान कुछ सवाल हमारे भी तो हैं आपके सवालों के जवाब देने में आया हूं आपके महीनों की तैयारी है क्योंकि आपके हाथ में कागज है

नीतीश कटारा के मर्डर के केस में और आपने उसे हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया है कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद आप उसे अदालत में पेश नहीं कर रहे कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहे और परिवार की पोजिशन उसे भेज सकता है तो क्या नहीं भेजना चाहिए लेकिन अगर, अगर अदालत उसको गवाह के तौर पर बुलाए तो बुलाना भी चाहिए तो अदालत को मैं अदालत की बातों पर देखिए रजत जी

तो क्यों हिचकिचा रहे हैं आप मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से भारती ने अपने अंकल द्वारा यह रिक्वेस्ट अदालत को कराई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन, द्वारा मुझसे जो कुछ पूछना चाहे पूछ लिया जाए तो क्या गुनाह कर दिया आजकल तो दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इवन देन मेर आप जो अब ये बातचीत कर रहे हैं अगर हम पब्लिक के सामने खड़े होते देश के करोड़ों लोग हो सकता है इतना बढ़िया ढंग से हमको ना देख पाते जितने बढ़िया ढंग से आपका खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा होगा उनको और मैं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन ऐसा मीडिया है आज की दुनिया में ऐसी व्यवस्था है ये ये यादव या जी आप गलत में कैसी, ये मीडिया का काम नहीं ये तो अदालत का आदेश है कि भारतीय अदालत को में, को के तौर पर पेश किया अदालत से ही रिक्वेस्ट और इससे आप बच रहे हैं ये अदालत से ही रिक्वेस्ट किया गया था लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है सरअप के अन्याय के शिकार हम हो रहे हैं न्याय हमको नहीं मिल रहा है चार साल से हमारा बेटा जेल में है रजत जी एक बेटा जो परिवार को रोजी रोटी कमा के देता हो इंडस्ट्री चलाता हो इंजीनियर हो वो चार साल से अगर जेल में हो तो जिसका बेटा हो वही जानता होगा कि तकलीफ कैसी है किसी का बेटा अगर मर्डर केस में में जेल हो तो बहुत तकलीफ है लेकिन आप तो सरे आम एक तो व्यवस्था ऐसी है कि अनजाने में किसी ने देखा नहीं उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं और उसको आप मुलिम बना के पेश किए हुए हैं और उस कोशिश कर रहे हैं कि वो सजा पा जाए और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई जानता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ उसकी पैरवी पर आप अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं और एक, 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 हाँ, एक मैं आपको मौका देता हूँ मुझे अपनी बात कहने दो मैं ये मैं ये, 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 ये पूछना ये आप, चाहता हूँ आप कि आपको इतनी तकलीफ है कि आपका बेटा जेल में है जो कि साल में दो साल में अगर सजा भी काटता है तो चौदह साल की सजा काट के बाहर आ जाएगा लेकिन जिसका बेटा रहा ही नहीं उसके परिवार को कौन देखेगा दुख तो खान साहब यही है कि अगर निर्दोष होते हुए आपको चौदह साल के लिए जेल भेज दिया जाए चार साल वो जेल भे भी निर्दोष था नितीश कटारा भी निर्दोश तो निर्दोश था। वो तकलीफ उसकी क्या क्या उसके उसका 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 हम, क्या, हम, जुर्म था जो कि उसको यादव जी नीतीश कटारा का सिर्फ दो जुर्म ये था कि उसने आपकी बेटी से दोस्ती हम किसी अपराध के फेवर में कभी ना रहे ना है ना रहेंगे हम अपराध से धुआं नहीं होता है आपका ये कहना है कि आपको पॉलिटिकली वो किया जा रहा है जी जी डोमिनेट किया जा रहा है लेकिन आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है आ, मेरे ख्याल से इतने सारे नेता हैं इसलिए हो रहा है और 85 85 एमपीस की जी भारती को क्यों नहीं ले आते सामने जी ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि अगर 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 आपके बेटा दोषी नहीं है वो पाक साफ है उसने कुछ नहीं किया तो भारती को ले आइए अदालत में पेश कर दीजिए नहीं ये तो कोर्ट कर रहा है कोर्ट ने जब ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी मुझे तो तकलीफ इस बात को तो, तो वारंट इशू करने पड़े यादव जी मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि एक विटनेस के खिलाफ भी वारंट इशू हुए जबकि गुलशन कुमार जैसा जो यहाँ के उद्यमी थे नोएडा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियस्ट गुलशन कुमार जो सुपर कैसेड के मालिक हैं उसका बॉम्बे में मर्डर हुआ एक्यूज के खिलाफ आज तक कोई वारंट इशू नहीं हुआ एक्यूज्ड और यहाँ यादव दर... दर... सारे केस का उदाहरण दे दिया लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि क्यों भारती 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 को 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 रखा हुआ है आप किसने मैं क्यों रखूंगा भारती को? भारती को वारंट उन्होंने अब कैंसिल किया है पासपोर्ट तो गवर्नमेंट के पास जवाब आ जाएगा जा, आप पूछ पे लास्ट रो में जो क्वेश्चन इनसे किए जा रहे हैं उनका जवाब ना देकर बात को घुमा रहे हैं इसका भी कोई कारण हो सकता है आपके ऊपर इतने इल्जाम वैसे नहीं लगाए जाते बेटे पहले बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता पहले है पहले तो। बेटे अपनी भाषा में शुद्धता लाइए बोलने का उच्चारण अपना ठीक कीजिए सवाल पूछने का अधिकार आपको है ये बात तो वो आपसे भी कह सकती लेकिन... है जब आप किसी लड़की के ऊपर शराब पर उसने आरोप लगाते हैं आपको से... भी अपनी भाषा में शुद्धता लानी चाहिए तो वो मैं... वो मैंने इल्जाम नहीं लगाया वो मीडिया ने कहा वो टेमरेट जो रेस्टोरेंट है मैं तो आज तक देखा नहीं ये उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने कहा ये वहां के लोगों ने कहा जी जी आप बार बार जी, जी आप बार बार घूम के जानते हैं इस, जी 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 हाँ, जी है इस बात को रजत जी आप जानते हैं इस बात को क्या टेबरेट कोर्ट में क्या होता था बहुत सारे बहुत और क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें इस समय हम नीतीश कटारा मर्डर की बात कर रहे नितिन किया जवाब जवाब दिया उनकी बात का ये न्यायालय के ऊपर हम क्या कर सकते हैं आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं डीपी यादव पर वो डीपी यादव जिनका बेटा विकास यादव जयसिका लाल मर्डर केस में एक्यूज है इनका बेटा विकास यादव नीतीश कटारा के मर्डर का एक्यूज है इसीलिए जनता के मन में बहुत गुस्सा है नाराजगी है बहुत सारे सवाल हैं इस दौर में हम सुनेंगे जनता के सवाल डीपी यादव आपके खिलाफ इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं आपके बेटे के खिलाफ भी इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं अगर आपके खिलाफ या आपके बेटे के खिलाफ ये सारे इल्जाम प्रूफ हो जाते हैं तो क्या आप उनको खुद सज़ा सज़ा दिलवाएंगे बहन जी सजा देना और ना देना ना ये माननीय न्यायालय का, का काम है और इस बारे में मैं तो नहीं रजत शर्मा जी कुछ कह सकते हैं मैं ये कह सकता हूँ कि बाप की भी कुछ जिम्मेदारी होती है जी अगर बेटा बिगड़ा हुआ हो तो बाप को भी कभी कोई सजा देनी चाहिए आप तजमी कर देना आप बता देना क्या पूछिए सर जैसे पॉलिटिशियंस की एक जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की तरफ एंड आप कह रहे हैं कि आप इंडिया के लिए एंड पॉलिटिशियंस एक सेट एग्जांपल एक सेट करते हैं तो इस तरीके से आपके बेटे आपकी बेटी हर केस में इन्वॉल्व हैं तो क्या एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में वो सेट करते हैं या आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन ही ले रहे हैं एंड जैसे भारतीय वो कोर्ट विटनेस में भी कॉपरेट नहीं कर रही तो वो सोसाइटी में क्या एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जी जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी होती है और परिवार के प्रति भी होती है उस जिम्मेदारी का एहसास आप भी करती होंगी क्योंकि आपके यहाँ भी बच्चे होंगे और हम लोग राजनीति करते हैं तो उस जिम्मेदारी को एहसास के साथ ही करते हैं लोगों के लिए सुबह से रात तक दिन भर काम करते हैं लोगों की पैरवी करते हैं उनके लिए अधिकारों की बात करते हैं वहीं परिवार की भी ज़िम्मेदारी होती है तो दोनों जिम्मेदारियों को निभाने तो का आजकल ऐसा लग रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा निभा रहे हैं पब्लिक की कम निभा नहीं मैं पूछ रहा हूं कि क्या अदालत के आदेश के बावजूद आपने अपनी बेटी को एज एविडेंस गवाह के तौर पर पेश करने से आप क्यों हिचकिच अदालत की, की कार्रवाई में हम कैसे बाधक बन सकते हैं उन्होंने वारंट बनाया है उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल किया है

तो हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो आपने मजबूरी लेने की बजाय उसको उसके नाम को आपने उछाला मैं मना नहीं करता हूँ मैंने तो एक व्यवस्था की बात की मेरा का लाल से कोई रंजिश नहीं बेचारी से मैं तो एक व्यवस्था की बात की है एक ऐसी व्यवस्था वहाँ थी सिर्फ इतनी रंजीश तो, है कि उसको मर्डर करने वाले को सजा दिलवाने की मेरा उसके नाम को उछाला मेरा चाहिए था उसके का सजा दिलवाई सोनिया जी मेरा व्यवस्था से विरोध है आज भी मैं चाहता हूँ असली हत्यारों को ढूंढ करके उन्हें सजा दिलाने का काम होना चाहिए

आप सुनना चाहते हैं जी मेरे... जी मैं आपको सुनाता हूं। नहीं, नहीं अब आप, सुन आप बहुत नीतीश कटारा की ने वो जो अपने बेटे के मरने के बाद पल -पल करके जो चीजें अदालत में है, उन्हें आप सुना भी सकते हैं उन्हें आप कह भी सकते हुत सुन लीजिए आप ऊपर आप सुन लीजिए आए गवाह नहीं आए गवाह और गवाह जो आए नीतिश के संघ के मित्र भी आए उन्होंने भी कंप्लीटली तो नहीं नकार पाए क्योंकि फोटोग्राफ्स थी और वो वहां पर थे और वो अच्छे बच्चे उसके दोस्त थे मगर फिर भी उन वो जितनी सीधी तरह से बात कर सकते थे वो नहीं कर पाए जब गवाही देते हैं जब मैं भी दे रही थी तो कम से कम पंद्रह लोग खड़े थे मुझे उनसे कहना पड़ा कि मुझे थोड़ी ऑक्सीजन मिलने दीजिए आप लोग बैठ जाइए तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़कियों को कितना मुश्किल होता होगा जब इस तरह से इतने सारे लोग खड़े होकर इंटिमिडेट करते होंगे बोलते वक्त गवाह देते समय को डराने का काम आपके लोग करते हैं नहीं नहीं जी कभी भी पर इल्जाम है ये सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है मेरे दिमाग की नहीं तो है तू खुद गवाह कह रही है ये कहानी है इसमें इसमें अच्छा यादव जी मैं, जिस, जिस आ, औरत का बेटा आ, मरा है आज तक आज तक एक भी फोटोग्राफ एक भी मीडिया वाला है कह सके डीपी यादव कभी न्यायालय गया है जो आप कहें यादव जी मैं न्यायालय भी नहीं गया आज ये ये उस ये ये ये, ये, उस महिला का बयान है जिसने अपना जवान बेटा खोया है। महिला कुछ भी कहने लगे मैं तो कहीं भी कहा आप, गया आपका बेटा चार साल से जेल में है कितनी तकलीफ है आपको हाँ तकलीफ उसका जवान बेटा मरा उसको तकलीफ नहीं होगी बिल्कुल हो निश्चित होगी हम कहा इस बात को मना करते हैं लेकिन आप झूठा बता रहे झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया जाना चाहिए ना आप तो लोगों पर अपना निर्णय इस तरीके से रख देते हैं मैं तो कोई निर्णय मैं तो आपको सुना रहा हूँ उन्होंने क्या कहा अभी था? मैं चार दिन पहले आप कुछ यादव या जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बार 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 ये बोल रहे हैं कि लाइए आप उन्हें मेरे सामने लेकर आइए वैसे मुझे आपसे ये कहते हो बहुत डर लग रहा है की कहीं आप मुझे भी किन्ने ना करवा लें सच में बहुत डर महसूस कर रही हूँ आ, जब मुझ जैसी लड़की यहाँ आपके सामने डर महसूस कर रही है तो सोचिए जो आपसे प्रताड़ित हैं वो आपका कैसे सामना कर सकते हैं उन लोगों का भी तो कहना ये है कि वो हमें मरवा देंगे वो हमें उठवा लेंगे आपको, का कहना है आपका आपका सामना नहीं कर सकते वो आपसे डरते हैं आपको मैं बहन बेटी की तरह देखता हूँ क्या रजत जी ने बुलाया आपको नहीं मुझे रजत जी मेरे मेरे को क्या रजत जी ने आपको बुलाया है यादव जी तो, तो, तो भी मैं कहना चाहता हूँ महसूस नहीं होगा लेकिन मैं रही आपसे यादव जी अगर आप आम पब्लिक टकराएंगे तो बड़ा कीमत देनी पड़ेगी नहीं हम कभी भी सच्चाई कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप असल में सच्चाई कहने से बच रहे हैं रजत रज जी यकीन मानो आप आप मुझे खुशी होगी अगर दोबारा मुझे बुलाएं तिबारा मुझे बुलाएं मुझे तकलीफ इस बात की है कि मीडिया हमको कभी बुलाता ही नहीं है एक पक्ष की बात कहता रहता है आज पहले वक्त मैं इन चार वर्षों के बाद में पांच वर्षों के बाद में रजत जी के सामने हूँ और इन केसों में कम से कम दस इंटरव्यू रजत जी अब तक ले चुका अकेले रजत जी की बात नहीं कर रहे सामने खड़े हैं तो मैं कह दिया दूसरे चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी डीपी यादव को फोन तक नहीं किया आप अपना पक्ष भी रख दो लेकिन यादव जी आपको बुलाया इसके लिए भी तक आपने एक बार धन्यवाद भी नहीं दिया धन्यवाद <laughs> मैं तो बहुत बहुत नहीं वास्तव में रजत जी ने मुझे मौका दिया मैं बार बार धन्यवाद इनका इसलिए करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दिया हमको हमको तो हम, हमको तो हम इस तरीके से लेकिन आपने आपने पूरी ताकत सिर्फ ये साबित करने में लगाई है जैसे आपको बुला करके कोई गलती की है नहीं, नहीं नहीं गलती नहीं आपने अच्छा ही की है। क्योंकि मेरी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का काम आपने किया है धन्यवाद हो रजत शर्मा जी का कम से कम उन्होंने हमें बुलाया तो सही जी आ, एक एक मैं, एक एक करके जी आप लास्ट में आपको भी मालूम है चाहे आप उसके बारे में डिनाई करें आपको मालूम है कि आपका बेटा नितेश कटारा केस में और लाल मेडर केस में इन्वॉल्व है मेरा क्वेश्चन ये भारतीय जो आपकी बेटी है इंग्लैंड में है वहाँ से भी अब वो गायब हो गई है आप उसे वापस बुलाने का कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं देखिए बहन जी जहाँ तक केसों में इन्वॉल्व होने का ताल्लुक है उस बात को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि ये सब अदालत में चल रही बातें हैं मैं कुछ ताकतवर लोग कुछ बड़े लोग कुछ मीडिया के लोग तो अदालत से ऊपर उठ के बोल सकते हैं जैसा कि ये बोलते रहे मेरे जैसा व्यक्ति अदालत के बारे में क्या बोल सकता मैं तो कानून और अदालत का मानने वाला व्यक्ति हूँ सर झुका के उसकी इज्जत करने वाला जैसा भी निर्णय देगा मानने वाले लोग हैं एक एक, प्लीज बीच में या, जी सर अभी आपने कहा सर कि आप सत्य के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं पर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप अपने परिवार के लिए सर आपने सेक्रीफाइस भी किया तो हम कैसे विश्वास कर ले कि आप सत्य के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं तो परिवार का नहीं नहीं परिवार का परिवार की बात क्या सत्य नहीं हो सकती है आपका परिवार कुछ है तो आप उसे झूठ मानेंगे क्या आपने कहा कि इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली के लिए होती हैं और कुछ सोसाइटी के लिए होती हैं तो आपको नहीं लगता कि ये सोसाइटी जनता आपको चुन के भेज रही है अपना प्रतिनिधित्व के तौर पे भेज रही है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए ज़्यादा है बजाय आपकी फैमिली के एंड सेकंड ये कि आप कह रहे हैं कि आप अदालत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर क्यों अदालत को आपकी बेटी के लिए वारंट जारी जारी करना पड़ा क्यों नहीं वो आई और तीसरा ये कि आप मीडिया पे बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया जिसको चाहे खुदा बना दे और जिसको तो आपको खुदा क्यों नहीं बनाया मीडिया ने आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है मीडिया का जो मीडिया आपके पीछे पड़ी हुई है इतनी बुरी उसके कुछ सडन रीजन्स हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ नहीं कहना चाहता रजत जी के सामने वैसे रजत जी पे कोई एलिगेशन नहीं है लेकिन मीडिया की बैक में मीडिया के पीछे कितने बड़े ताकतवर लोग खड़े रहते हैं शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है यादव जी मैं आपको और मैं, एक एक मिनट और यादव जी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पीछे नहीं आप इंडिया टीवी के पीछे कोई है न तो ये जनता है और कोई नहीं मैंने तो कहा नहीं आपके नाम माम ले गया तो हम पे कोई केस है ही नहीं रजत जी आज के डेट में डीपी यादव पे कोई केस यादव जी हमने पे... आपको पूरा पूरा मौका दिया आपके सवालों के जवाब देने का जनता के सवाल थे जनता के सवालों का जवाब दिया आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया सवाल पूछे जमात लगाए सफाई मांगी डीपी यादव से हमने उनसे पूछा जयसिका लाल मर्डर केस के बारे में हमने उनसे पूछा नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में हमने पूछा डीपी यादव की राजनीति के बारे में अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके टी आर कक्कड़ के तहत डीपी यादव जी ने अपने ऊपर संगीन आरोप आरोपों से बचने के लिए या तो अपने विरोधी राजने राजनेताओं को कसूरवार ठहराया या मीडिया को कसूरवार ठहराया और बचने की पूरी कोशिश की है अपने ऊपर लगाई लगाए हुए इन आरोपों से कितने वो बच सके हैं अपनी छवि को कितना साफ कर सके हैं ये तो जनता ही बताएगी लेकिन मैं केवल यहाँ बैठकर इतना कहना चाहता हूँ कि कानून से आप कितने भी बचते रहें हम और आप एक दिन कानून हमें ज़रूर हमारे साथ हो जाता है पकड़ लेता है हमें और जब ऐसा होता है तो ना केवल अपने मन में बल्कि अपने परिवार में एक खलबली सी मच जाती है और हम शांति से नहीं रह सकते हैं मेरी डीपी यादव साहब से सिर्फ इतना सुझाव है उनको कि अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करें जिस तरह से आपने कहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी इंसान हैं लोगों की सेवा करते हैं इस छवि को जनता के बीच में सुधारने की कोशिश करें हो सकता है वो कभी आपकी बात मान जाए धन्यवाद हमने जनता की तरफ से डी पी यादव पर मुकदमा चलाया क्योंकि उन्हें शिकायत थी मीडिया से उन्हें सफाई का मौका नहीं मिलता आज इल्जाम लगाए उन्हें सफाई का पूरा पूरा मौका दिया कौन कितने पानी में है सच क्या है छूट क्या है इसका फैसला आपको यानी जनता को करना है आपकी अदालत में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ नया मुकदमा लेकर तब तक के लिए नमस्कार